आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। देश भर में भारत बंद की आवाज तीव्र होती जा रही है, कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखा जा रहा है। ये विरोध SC ST आरक्षण में उच्चतम न्यायालय द्वारा क्रीमी लेयर और उपवर्गीकरण करने के फैसले के विरोध में किया जा रहा है। तमाम विपक्षी पार्टियां इस फैसले के खिलाफ हैं और अपना विरोध जता रहे हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति मोर्चा और भीम आर्मी द्वारा बुलाए गए भारत बंद का पूरे देश में मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। भारत बंद पर अब RLD चीफ और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। इस मुद्दे पर उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको भी सुनवा देते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी, उसके बाद कानून मंत्री ने संसद में उस पर स्पष्टीकरण भी दे दिया है, कैबिनेट ने भी अपनी राय साफ कर दी है, तो अब कोई ज्यादा विषय बचा नहीं। मायावती जी ने सपोर्ट किया है, कहा कि BSP सपोर्ट करी भारत में। विपक्षी पार्टियों का अधिकार, यही लोकतंत्र है। आपको हम बता दें कि इस बंद का समर्थन विभिन्न राजनीतिक दलों ने भी किया है, जिससे इसका प्रभाव कई शहरों में स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। बिहार के जहानाबाद में इसका असर सुबह से ही दिखाई दे रहा है। यहाँ के प्रमुख मार्गों, विशेषकर पटना गया राष्ट्रीय मार्गों के ऊटा मोड़ के पास बड़ी संख्या में बंद समर्थकों ने सड़क को जाम कर दिया है। इस जाम की वजह से वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं, जिससे आने जाने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भारत बंद समर्थकों ने सरकार से मांग की है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले को एक अध्यादेश के माध्यम से रद्द किया जाए। वहीं भारत बंद को लेकर पुलिस हाई अलर्ट पर है, शहर के हर चौराहे पर पुलिस फोर्स तैनात है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।